भारत सरकार के स्वामित्व योजना के अंतर्गत सोमवार को जनपद गोरखपुर में आबादी सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रिया संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर तहसील के तहसील क्षेत्र के द्वारा अधिसूचना 5 गांवों का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया गया। सर्वे कराने वालों गाँव में पेवनपुर, मामापार, मठिया, विष्णुपुर, खुर्द तथा रामपुर थवईपार में ड्रोन सर्वे कराया गया। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने बताया। बस यहाँ पे कंप्लीट है, जूम करके यहीं से जूम कर लो। 7 पिक्सल है मुझे बताइए। तो राइट टाइम चल रहा है, ठीक ठीक बहुत बढ़िया। डीएम साहब लोग तो एक बार सामने घूम लेना है ना। ये अभी एक भारत सरकार की योजना है, स्वामित्व योजना, उसके अंतर्गत ये तैयारी चल रही है कि आबादी जो विवाद के महत्वपूर्ण विषय होते हैं गांवों में, उनका कोई एक अभिलेख तैयार नहीं होता था खतौनियों में और नक्शे में तरमीम नहीं रहता था कि कौन किसकी आबादी है, तो उसको लेके आए दिन बहुत विवाद होते हैं, सिविल कोर्ट में भी बहुत सारे मुकदमेबाजी होती है। अब सरकार ने उन आबादी के जो मालिकाना हक जिनका है उनके रिकॉर्ड्स को तैयार करने का काम शुरू किया है। वो एक पूरी प्रक्रिया है, इसका नाम है आबादी सर्वेक्षण एवं संक्रिया, ताकि नए नक्शे गांव के कब्जे और मालिकाना हक के आधार पर तैयार किए जाएं, उनकी घरौनी तैयार की जाए, जैसे हमारे लैंड रिकॉर्ड की खतौनी होती है, और उसको पब्लिश करके सबको मालिकाना हक के साथ ये दे दिया जाए। इसके दो फायदे होंगे, पहला तो ये कि विवादों का निपटारा होगा, दूसरा ये कि गाँव के विकास की जो अवरचना तैयार की रहेगी सरकार, उसमें इससे बहुत मदद मिलेगी। इसमें हमारे ग्राम सभा की भूमियाँ भी चिन्हित हो जाएंगी, बहुत अच्छे से वो डिजिटाइज हो जाएंगी, मैप में रहेंगी, तो उसमें तमाम तरह के विवादों का निपटारा हो जाएगा और उसके समुचित विकास की योजना तैयार की जाएगी। सर कितने गांवों का सर्वे किया? पायलट प्रोजेक्ट के तहत गोरखपुर जनपद के भी 5 गांव लिए गए हैं, तो उन 5 गांव में सदर तहसील के 5 गांव हैं, पेवनपुर है, मामापार है, मठिया है, रामपुर थवई पार है और बिशुनपुर खुर्द। ये 5 गाँव में एक सर्वे ऑफ इंडिया से एक टीम आई है जो डिजिटाइज मैप बनाने के लिए हमने पूरे गाँव में पंचायत विभाग और सर्वे विभाग की सहायता से पूरे गाँव के नक्शे को चिन्हित करके और उस पर चूना गिरवाने का काम किया गया और हाई रिजोल्यूशन कैमरे से उनके चित्रीकरण का काम आज ड्रोन कैमरे के माध्यम से किया गया। तो स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया गया जो आगे कराने वाले हैं? जी बिल्कुल, उन लोगों ने बताया कौन किसकी कब्जेदारी है, कहाँ तक किसका हिस्सा है, और आज सरकारी अभिलेख हमारे पास थे गाँव में। अभी 5 गांव का है ये, 15 अगस्त तक इसका टारगेट है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इसका एक अधिसूचना जारी की है, इसमें एक समिति बनी है ग्रामीण लेवल पे, जिसके पंचायत सदस्य लोग उनके मेंबर्स हैं और हमारे राजस्व कर्मी हैं, संबंधित लेखपाल हैं, आपके ग्राम सेक्रेटरी हैं, पंचायत के ADO के अध्यक्षता में टीम बनी है। सर इस पर कुछ कंप्लेंट दिया सकता ग्रामीणों का या जो कर रहे हैं वहाँ के? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अजय जी, ये बहुत चरणबद्ध प्रक्रिया है और इसमें सबसे पहला जो काम किया गया ग्रामीणों को सूचना देके ये ग्राम सर्वेक्षण समिति बनाई गई है, जिसकी प्रधान जी की अध्यक्षता में वो समिति है और सभी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं ये EVN नंबर पे
मिनिमम सदस्यता इनकी 5 है, अधिकतम 11 है। ग्राम पंचायत सदस्यों में से जिनमें एक महिला होनी अनिवार्य है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना अनिवार्य है। तो इस तरह से एक समिति बनी है, ये समिति डिस्कस करेगी, इन समिति के पास करने के बाद नक्शे को अंतिम रूप दिया जाएगा, तो इसलिए विवाद की संभावना बाद में नहीं रहेगी।